आज मिली उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भीड़ में मास्क संदिग्धों की जांच जरूरी। कोरोना उत्तराखंड में अलर्ट SOP जारी। कोरोना के नए स्वरूप की देश में दस्तक से उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम के लिए शुक्रवार से भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अस्पतालों में सर्दी जुकाम बुखार सांस की बीमारी वाले संदिग्ध संक्रमितों की RT-PCR जाँच जरूरी होगी। बृहस्पतिवार को सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोविड की SOP जारी की। सभी DM और CMO को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमित सैंपलों को अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज भेजें, जिसमें वायरस के नए स्वरूप का पता लग सके और उसके प्रसार को रोका जा सके। लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हाई रिस्क आबादी वाले क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बेफिक्री छोड़ें, जांच बढ़ाएं, कड़ी निगरानी रखें। तो चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के तेजी से फैलते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेफिक्री के प्रति आगाह कर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कड़ी निगरानी के साथ कोविड से संबंधित आधारभूत ढांचे के ऑडिट अस्पतालों को तैयार स्थिति में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर और स्टाफ की संख्या पर ध्यान देने को कहा है। PM ने कहा जरूरी दवाओं की उपलब्धता व कीमतों पर निगरानी रखें। एक जगह कई लोग संक्रमित मिले तो कंटेनमेंट जोन बनेगा। तो SOP में कहा गया है कि अगर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में एक ही स्थान पर कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा, जिससे संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। बूस्टर डोज लगवाने के लिए आज से कैंप। तो कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बूस्टर डोज लगाने का अभियान चलेगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को शुक्रवार से बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए जाएँ। नार्को टेस्ट से तीनों आरोपियों की ना, दो ने सहमति और एक ने असहमति पत्र वापस लिया। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। अंकित हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है। पुलकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए दिए गए सहमति पत्र वापस ले लिए, जबकि अंकित ने अपना असहमति पत्र भी वापस ले लिया है। अब तीनों वकील के जरिए बताएंगे कि वे नार्को टेस्ट कराएंगे या नहीं। बचाव पक्ष ने टेस्ट कराने की वजहों को भी स्पष्ट कराने की अपील अदालत से की है। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। मोदी का जांच बढ़ाने पर जोर। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना के खतरे के मद्देनज़र निगरानी बढ़ाने को कहा। तो चीन समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर स्वास्थ्य इंतजामों की समीक्षा की। धर्मांतरण कानून को राजभवन की मंजूरी। तो धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। राहुल का केंद्र पर वार, भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया। गुरुवार को नूह में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यात्रा रोकने के बहाने ढूंढ रही है। वे एक नया तरीका लेकर आए हैं, लेकिन हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। चीन समेत कुछ देशों में कोरोना के मामले की बढ़ती संख्या के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था। उन्होंने कांग्रेस नेता से अपील की थी कि यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता तो वह भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित करने पर विचार करें। 13 IS अफसरों को जिलों का प्रभारी बनाया। तो विकास कार्यों को गति देने और सतत निगरानी के लिए सरकार ने 13 वरिष्ठ IS अफसरों को मैदान में उतार दिया है। जुकाम बुखार और सांस रोगियों की कोविड की जांच अनिवार्य।
उत्तराखंड के अस्पतालों में ओपीडी में जुकाम बुखार और सांस संबंधी बीमारी के मरीजों की अनिवार्य रूप से कोविड जांच होगी। इसके साथ ही कोविड के लिहाज से संवेदनशील हाई रिस्क आबादी का टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को राज्य में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार घोषित। तो सरकार ने वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कारों की घोषणा कर दी। दून से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी हवाई सेवा। तो देहरादून के जौलीग्रांट स्थित एयरपोर्ट से अब हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। ऑटो में आरटीओ से वसूला मनमाना किराया। तो आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने गुरुवार को शहर में ऑटो का सफ़र किया। सफ़र के दौरान उन्होंने 3 स्थानों से ऑटो बुक किया। इनमें 2 जगहों पर तय किराए से अधिक वसूला गया। दोनों ऑटो चालकों का उन्होंने चालान कर दिया। इनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। थानो मार्ग पर भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड ध्वस्त। तो रायपुर थानो रोड के पुल की अप्रोच रोड पर 13 दिसंबर की रात आई थी दरार। तब लोक निर्माण विभाग अफसरों ने इसे सुरक्षित बताया था। तो दून के भोपाल पानी पुल को चंद रोज पहले लोक निर्माण विभाग ने सुरक्षित बताया था। गुरुवार सुबह उसकी अप्रोच रोड का करीब 15 मीटर हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इससे पुल पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। वाहनों को पुल के नीचे सूखी नदी से गुजारा जा रहा है। सरकार ने पुल के डिजाइन और ड्राइंग की जांच बिठाई। तो रायपुर थानो रोड पर भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के मामले में सरकार ने इस पुल के डिजाइन और ड्राइंग की विस्तृत जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। पुल टूटते पुल खोल रहे जीरो टॉलरेंस की पोल। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि उत्तराखंड में एक के बाद एक पुलों के ढहने से 6 साल के जीरो टॉलरेंस की पोल खुल गई है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड, विधानसभा की बैकडोर भर्ती और खनन प्रक्रिया को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। दून में ठंड बढ़ी, मैदान में सताएगा कोहरा। तो रात में सर्द हवाएं और पाला पड़ने की वजह से दून में ठंड बढ़ गई है। रात के समय जहां पारा 6 डिग्री पर पहुंच गया, दिन में भी सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। देहरादून में 2 दिन के भीतर तापमान में 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। अगले कुछ दिनों में यह तापमान अभी और नीचे गिरने का अनुमान है। गुरुवार को शहर में गुनगुनी धूप निकली। देहरादून में अधिकतम तापमान 22.9 और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। कल से बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। तो दून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का सितम 2 दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान में चालकों को सतर्कता बरतने को कहा है। उत्तराखंड में गुरुवार को भी सुबह 11 बजे तक विभिन्न स्थानों पर घने कोहरे ने लोगों को परेशान किया। 3 जिलों में क्रिसमस के मौके पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के 3000 मीटर की ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 25 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। भारी बर्फबारी वाले क्षेत्र के ट्रैकिंग रूट बंद करेंगे। तो बर्फबारी की वजह से बंद होने वाली सड़कों पर पहले से ही आवश्यक उपकरण और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए जेसीपी और स्नो कटर की व्यवस्था भी की जा रही है। भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों के सभी ट्रैकिंग रूट को एहतियातन बंद रखा जाएगा। छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल करने के निर्देश। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 42 छात्रों के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीएसई को सभी छात्रों को 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में नेपाल से हो रही महिलाओं की तस्करी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में नेपाल से महिलाओं की तस्करी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार और पुलिस इसे रोकने के लिए शिकंजा कस रही है। साथ ही महिला आयोग भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए विभिन्न राज्यों की मदद कर रहा है।
अंकिता मामले में सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने के लिए याचिकाकर्ता जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका बीते बुधवार को निरस्त कर दी थी। अंकिता की माँ सोनी देवी और पिता वीरेंद्र भंडारी ने बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर अर्जी में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया था। दून रेलवे स्टेशन पर दवाइयां भी मिलेंगी। तो दून रेलवे स्टेशन पर अब बिना लाइसेंस कोई भी दुकानदार जरूरी दवाएं बेच सकेंगे। DRUCC यानी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया है। दुकानदार वहीं दवाइयों को बेच सकेंगे जो डॉक्टरी परामर्श के बिना दी जा सकती हो। लिव इन पार्टनर की बेटी से दुष्कर्म, 25 साल की कैद। तो प्रेमी को लिव इन पार्टनर की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मीना देवपा की कोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 40,000 रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि दोषी ने जुर्माना न भरा तो 3 माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। माँ बेटी से मारपीट के बाद फरार हो गया था। तो पुलिस में मुकदमे से पहली रात ही शहजाद ने लड़की से दुष्कर्म की कोशिश की, तब उसने हिम्मत दिखाकर विरोध किया। शोर सुनकर लड़की की माँ जाग गई। इस बीच शहजाद ने माँ बेटी के साथ मारपीट की और वहाँ से फरार हो गया था। तब पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। राजभवन में विजेता बच्चों को राज्यपाल ने नवाजा। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत ने गुरुवार को राजभवन ऑडिटोरियम में उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद के मिलकर रहना सीखो शिविर में भाग लेने वाले बच्चों से मुलाकात की। पड़ोसी पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मुकदमा। तो पड़ोसी पर 14 वर्ष किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इधर परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं खबर है देहरादून से, दून में गहने ठकर असम में छुपा इनामी बदमाश धरा गया। बिधोली में छात्रों के बीच फिर मारपीट, महाभार में चौथा केस। तो बिधोली स्थित यूनिवर्सिटी के छात्रों में बार बार खूनी संघर्ष हो रहा है। छात्रों में मारपीट को लेकर के 1 महीने के भीतर चौथा मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है, यह हादसे में घायल किशोर की मौत। सहधारा रोड पर हादसे में घायल दोपहिया सवार 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। उसका साथी घायल है, दोनों जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। शिक्षकों की अधूरी भर्ती अब होगी शुरू। तो बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगा पेंच हटने जा रहा है। शिक्षा विभाग को NIOS DLED को लेकर के हाल में जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिल गई है। DG शिक्षा वंशा तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के आधार पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर जल्द निर्णय किया जाएगा। NIOS DLED को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के 14 सितंबर के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को रोक लगा दी थी। शिक्षा विभाग तब से कोर्ट के फैसले की प्रति का इंतजार कर रहा था। मालूम हो कि बेसिक शिक्षकों के 2600 से ज़्यादा पदों पर चल रही भर्ती में अब तक 1800 पदों पर चयन हो चुका है। इस बीच NIOS DLED के कोर्ट केस के कारण भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रुक गई थी। 800 पदों पर अभी भर्ती होनी बाकी है। DG ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश को मुहैया करा दिया है। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। भर्तियों की रिपोर्ट आज सौंपेगी समिति। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों के भविष्य की रिपोर्ट तैयार हो गई है। शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति के सदस्य आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। स्नातक स्तरीय भर्ती सचिवालय सुरक्षा सेवा संवर्ग सहित कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बची हुई 8 भर्तियों के भविष्य को लेकर के पूर्व IAS SS रावत के अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने 8 भर्तियों में पेपर लीक की आशंकाओं की पड़ताल की है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। इनमें LT भर्ती, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक भर्ती, कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी पुलिस दूर संचार भर्ती शामिल है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर ने विज्ञप्ति काउंसलिंग जारी कर दी है।
तो 2018-19 में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची बैकलॉग के आधार पर चयनित अभ्यर्थी उनकी सूची विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। काउंसलिंग 3 जनवरी 2023 को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई है। तो अभ्यर्थी जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। BMS में प्रवेश के लिए कल से काउंसलिंग उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय नीट UG स्कोर के आधार पर आवंटित करेगा सीट। विश्वविद्यालय ने निकाली बैकलॉग के पदों पर 11 माह की भर्ती। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2017-18 की भर्तियों के बाद रिक्त बचे आरक्षण के पदों पर बैकलॉग की अस्थायी भर्ती निकाली है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 20, एसोसिएट प्रोफेसर के 11 पदों के लिए 11 माह की अस्थायी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी www.uau.ac.in पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। JEE एडवांस 2023 4 जून को 30 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन। IIT, IISc, बेंगलुरु, IISST, IISIR में दाखिले के लिए JEE एडवांस 2023 4 जून को होगी। 5,000 का इनामी फर्जी शिक्षक गिरफ्तार। तो शैक्षिक प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा कर शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाने के मामले में फरार 5,000 के इनामी फर्जी शिक्षक को खानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित अपने फुफेरे भाई के शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहा था। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 200 से ज़्यादा फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 243 असिस्टेंट ग्रेड एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 596 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 7,500 से ज़्यादा रेगुलर टीचरों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए OSSC.gov.in पर जाकर के 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जबरन मंत्रतरण पर अब 10 साल की सजा होगी। मदरसों का विशेष सर्वे कराएगी सरकार। तो मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह हो रही अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। डोईवाला क्षेत्र में हाथियों ने तोड़ी 4 दीवारी, फसल रौंदी। बुकिंग के 4 साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट, लौटाने होंगे 1.16 करोड़ रुपए। वही खबर है, बेटियों को न्याय, दुष्कर्मियों को सजा। तो सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल कैद से गुजरने होंगे। अब राशन कार्ड के लिए नहीं करना होगा इंतजार। तो राशन कार्ड के लिए उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। जिला पूर्ति कार्यालय ने 31 दिसंबर तक पूर्ति निरीक्षकों और पंचायतों को आवेदन कार्यालय उपलब्ध कराने को कहा है। पुलिस ने दबोचे 3 इनामी बदमाश। तो फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपित चंद्रमणि चौक से गिरफ्तार हुए। वही खबर है, रुड़की से भाजपा नेता और समर्थकों पर हमला, 2 गाड़ियां तोड़ी। तो देहरादून जा रहे भाजपा नेता व समर्थकों पर रास्ते में लाठी डंडों से लैस 10-15 युवकों ने हमला बोल दिया। हमले में भाजपा नेता समेत 5 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने भाजपा नेता व समर्थकों की 2 गाड़ियों को भी लाठी डंडों व ईंट मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। अंत्योदय धारकों से तीसरा सिलेंडर लेने की अपील। तो अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाने की योजना जारी है। जिला पूर्ति अधिकारी ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों से तीसरा निःशुल्क गैस सिलेंडर प्राप्त करने की अपील की है। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से सेना और ग्रामीणों के बीच अधिकांश मुद्दों पर सहमति। तो हरसिल घाटी में युद्धाभ्यास के लिए सेना को 477 एकड़ भूमि देने की तैयारी है। वहीं खबर है, पौड़ी से पाले में फंसा ट्रक, गर्म पानी डाल मार्ग खुलवाया। तो सर्द मौसम के बीच रात्रि को सड़कों पर पड़ रहा पाला धीरे धीरे परेशानी का सबब बनने लगा है। गुरुवार की सुबह पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर खंडियासु सेण के समीप सड़क पर पाला जमा होने से ट्रक पाले में फंस गया। इससे करीब आधा घंटा यातायात प्रभावित रहा। वही खबर है, गैरसैंण से भालू के हमले में महिला घायल, हायर सेंटर रेफर। तो जनपद चमोली के गैरसैंण ब्लॉक के सिलंगा गांव निवासी एक महिला को भालू ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला पूरी ताकत के साथ भालू से भिड़ गई। इस बीच शोर सुनकर ग्रामीण व स्वजन मौके पर पहुंच गए और भालू जंगल की ओर भाग गया।
कल सीएम आवास का घेराव करेंगे तो राज्य आंदोलनकारी मंच टिहरी में बैठकर विभिन्न मांगों पर चर्चा की। राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र नोडियाल ने कहा कि 24 को प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, भू कानून लागू करने, मूल निवास 10% क्षति आरक्षण, भर्ती घोटाला के साथ अंकिता हत्याकांड, केदार भंडारी मामले की सीबीआई जांच को लेकर के राज्य आंदोलनकारी सीएम आवास का घेराव करेंगे। मुसीबत गढ़वाल में पाले पर फिसल रही हैं गाड़ियाँ। उत्तरकाशी में जरूरतमंदों के लिए बनाए 5 रैन बसेरे। वन विभाग वन निगम की आड़ में हरे पेड़ काटे तो पुरोला से खबर आई है। वही खबर है कोटद्वार से, छात्र संघ चुनाव के लिए कॉलेजों की तैयारियां पूरी तो गढ़वाल के अधिकांश कॉलेजों में 24 दिसंबर को होने हैं छात्र संघ चुनाव। घनश्याली में मठियाली मेले में बाहर के व्यापारियों का विरोध किया। वही खबर है घनशाली से दुधियाड़ी देवी की डोली यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। नैनीताल में उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा कोरोना एक्टिव केस, तो कोरोना के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में इस समय कोरोना के एक्टिव मरीज 29 हैं, इनमें सबसे ज़्यादा 10 एक्टिव मरीज नैनीताल से हैं। जिले में कोरोना टीके खत्म, बच्चे केंद्र आज से हो जाएंगे बंद, तो कोरोना को लेकर के फिर से बढ़ रही है चिंताएँ। नए साल के जश्न में मास्क संग एंट्री की अपील की गई। छात्रा से दुष्कर्म पर 20 साल की कैद, तो 3 साल पूर्व शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अपर न्यायाधीश पोक्सो स्पेशल जज नंदन सिंह ने फैसला सुनाया। आरोपी पिकअप चालक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई। कोहरे के चलते बस और ट्रेन दोनों लेट, तो दिल्ली से आने वाली 20 से ज़्यादा बसें देरी से पहुंची हल्द्वानी। जल्द टूटेगा अतिक्रमण, एक को तैनात होगी फोर्स, तो वनबोलपुरा थाना क्षेत्र में जल्द अतिक्रमण हटने की संभावना है, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की ओर से मांगी गई फोर्स को स्वीकृति मिल गई है, संभवतः 1 जनवरी तक पुलिस फोर्स हल्द्वानी में मोर्चा संभाल लेगी। 2 विभागों को होगा 10 करोड़ का नुकसान, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाना जाना है, इससे यहां रहने वाले लोगों की संपत्ति के साथ ही कई विभागों की संपत्तियों को भी खतरा बना हुआ है। जल संस्थान और ऊर्जा निगम की लगभग 10 करोड़ की संपत्ति अतिक्रमण हटाए जाने पर बेकार हो जाएगी। 3000 बच्चों की स्कूल और घर की छत छिनेगी, तो रेलवे स्टेशन हल्द्वानी में लगी रेलवे भूमि के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र के 5 सरकारी स्कूल तोड़े जाएंगे, इससे करीब 10 प्राइवेट स्कूल भी अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। वही खबर है, यह हल्द्वानी से चोरों ने शिव मंदिर में बोला धावा, अधिवक्ता ने लगाया 1.5 लाख की ठगी का आरोप, तो नैनीताल से खबर आई है। अध्यक्ष पर घमासान, सचिव पद पर सीधी टक्कर, तो एबीपी एमबीपीजी में अध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशी होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नियामक आयोग ने महंगी बिजली का प्रस्ताव लौटाया, तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में महंगी बिजली का यूपीसीएल का प्रस्ताव लौटा दिया है, इस प्रस्ताव में खामी बताई जा रही है। ऑटोमेटेड सेंटर से ही फिटनेस करवाने के आदेश पर लगी रोक, तो दिए निर्देश, आरटीओ दफ्तर में भी फिटनेस की व्यवस्था करे सरकार। दून में जुटेंगे सुरंग निर्माण से जुड़े 600 विशेषज्ञ। नए साल से पहले अफसरों को तोहफे, तो 18 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन, 13 आईएफएस अफसरों की तरक्की की गई। परिवहन निगम में कई अफसरों की पदोन्नति के साथ ही तबादला किया गया। बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप आज से लगेंगे। देहरादून में जल्द खुलेगा विदेश मंत्रालय का दफ्तर। नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, हिसार के लिए चलेंगी 68 सीएनजी बसें। 7 रोपवे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार, तो प्रदेश की प्रस्तावित 7 रोपवे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है। जन्मदिन मनाकर लौट रहे किशोर की हादसे में मौत हो गई। कैट के परिणाम में उत्तराखंड के होनहारों ने चमकाया नाम,
तो IIM बेंगलुरु ने बृहस्पतिवार को प्रबंधक के सबसे बड़े कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का परिणाम जारी करने का छुपाने के लिए चला नया पैंतरा। तो अंकिता का सहमति पर ही निर्भर करता है। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट अब 3 जनवरी को पता चलेगा, आरोपी हाँ करेंगे या ना। ईरानी गैंग का 25,000 का इनामी ठग गिरफ्तार किया गया। RTO दफ्तर में खुले सेंटर, विभाग कराएं फिटनेस जांच। ज्योतिष बताएंगे कैसे सुरक्षित होगा आपका कल। तो अमर उजाला ग्राफिक है, ज्योतिष महाकुंभ में 25 दिसंबर को निशुल्क परामर्श से चूकने पर 26 दिसंबर को भी समस्याओं का मिलेगा निदान। DAB संगठनों ने प्रचार में झोंकी ताकत, तो अलग अलग अंदाज में वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे छात्र संगठन। ABBP ने पगड़ी पहनकर वोटरों को रिझाया। वहीं सत्यम शिवम ने जुलूस में उमड़े छात्र। दून में उत्पादी बंदरों को पकड़ेगा मथुरा की टीम। दून रेलवे स्टेशन पर ATM बूथ लगेंगे, दवा भी मिलेगी। अब नियमों के तहत होगी BKTC कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति। भू धसाव में जोशीमठ के 500 परिवार खतरे में। तो भू धसाव में जोशीमठ नगर के में 500 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। नगर पालिका जोशीमठ की ओर से किए गए ताज़ा सर्वेक्षण में पता चला है कि नगर के सभी वार्डों में मकानों की दरारें लगातार बढ़ रही हैं। अधिक खतरे की जद में आए 5 परिवार मकानों को छोड़कर रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। रोपवे का संचालन बंद कराने की मांग। तो नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर रोपवे संचालन बंद कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस जगह पर रोपवे के टावर हैं वहां भी दरारें आ रही हैं। मनोहर बाग वार्ड में 2 माह से भू धसाव तेज हुआ है। इसी वार्ड में रोपवे का 2 नंबर टावर है, जबकि 3 नंबर टावर सुनील वार्ड में है, जहां भी भू दशा हो रहा है, जहां जमीन में आ रही दरारें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में रोपे के या टावर कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। परियोजना की टनल में नहीं हो रहा जोशीमठ में भू दशाव। तो 520 मेगावाट वाली तपोवन जल विद्युत परियोजना की सुरंग से जोशीमठ नगर को कोई खतरा नहीं है। सुरंग 1.5 किलोमीटर नीचे बन रही है और इसके ऊपर कोई गांव या कस्बा नहीं है। दुकानदार ने खुद को गोली मारकर जान दी। तो कोटद्वार से खबर आई है, रिखड़ीखाल ब्लॉक के मसमोली गांव में एक दुकानदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर दी। बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से डिप्रेशन में था। वही खबर है, पौड़ी से बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को भेजा जेल। श्रीनगर से खबर आई है, रेहड़ी चुराने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणों की आपत्तियों को संयुक्त समिति करेगी हल। वही खबर है, गोपेश्वर से कर्णप्रयाग से ABP के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। साइकिल से पता किया माउंट किलिमंजारो। तो प्रीति ने 3 दिन में चढ़ाई कर पाकिस्तान की समर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। वही खबर है, हरिद्वार से सेवानिवृत्त DFO किशन चंद के घर की कुर्की के लिए कराई मुनादी। तो ज्वालापुर स्थित घर और पथरी में स्टोन क्रसर पर नोटिस चस्पा किया गया। धरने पर बैठे श्रमिकों को हटाने पहुंचे उप जिलाधिकारी, लौटे बेरंग। ऑनलाइन फॉर्म भरने पर ही मिलेगा कन्याधन। निर्विरोध चुने गए 11 कक्षा प्रतिनिधि। तो चिन्मय डिग्री कॉलेज कक्षा प्रतिनिधि की 3 सीटों के लिए हुआ मतदान। वही खबर है, हरिद्वार से रोजगार मेले में युवाओं ने कराया पंजीकरण। चैंपियन पर मुकदमे के विरोध में समर्थकों ने पैदल मार्च निकाल किया प्रदर्शन। तो डानवाला देहरादून के इंस्पेक्टर पर खानपुर के पूर्व विधायक के बेटे के साथ अभद्रता और पूर्व विधायक पर झूठा केस दर्ज का आरोप लगाते हुए समर्थकों ने सर्वे चौक से सचिवालय तक 1 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला। भाजपा नेता और समर्थकों की गाड़ी पर हमला। तो हमलावरों ने गाड़ी पर लाठी डंडे और ईंट से किया वार, 5 लोग घायल हो गए। RTO को हर साल 3 लाख फाइलें से मिलेगी मुक्ति। 5 लाख लोगों ने लगवाई प्रिकॉशन डोज। तो हल्द्वानी से खबर आई है,
जाम से निपटने के लिए एसपी ने स्कूल संचालकों को दिया डेमो। तो एसपी ट्रैफिक फोर्स के साथ पहुंचे स्कूल हाईवे पर यातायात का किया ट्रायल। वही खबर है, यह रामनगर से अज्ञात कार की टक्कर से बच्ची की मौत हो गई। 15 साल बाद प्रशासन का फिर इम्तिहान, तो रेलवे भूमि पर अतिक्रमण। रेलवे भूमि अधिग्रहण के लिए भारी फोर्स की मांग की गई। वही खबर है, पिथौरागढ़ से ओमिक्रॉन BF7 की दस्तक, हो जाएं सावधान। तो मंडराने लगा कोरोना का खतरा, मास्क पहनना अब फिर से हो गया है जरूरी। एहतियात से दूर लोग कोरोना से बचाव के लिए नहीं उठा रहे कदम। DD हार्ट के ITBP जवान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वही खबर रही है, पिथौरागढ़ से पेट्रोल डीजल खत्म होने की शिकायत न मिले। कुछ बसों में न वाइपर न फॉग लाइटें। वही खबर आई है, लोहागाड़ से लापता छात्रा बरामद, दूसरी की तलाश जारी है। पिथौरागढ़ परिसर में 7290 मतदाता डालेंगे वोट, 15 केंद्र बनाए गए। उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसान सम्मानित किए गए। अल्मोड़ा में पालिका ने लगाए 15 भूमिगत कूड़ेदान, सड़क खोलने के लिए 12 JSP तैनात किए गए हैं। बागेश्वर में बूस्टर डोज लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं लोग। वही खबर है, अल्मोड़ा से नामांकन निरस्त होने पर प्रत्याशी व समर्थकों ने किया हंगामा, धरना दिया। कोरोना वैक्सीन खत्म, 1.10 लाख डोज की डिमांड भेजी गई। वही खबर है, रुद्रपुर से शादी का झांसा, युवती को बेचने की कोशिश, तो कोर्ट के आदेश पर दो सगी बहन सहित 4 पर केस दर्ज किया गया।